तो दोस्तों आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किसी बंदे ने मेरी साड़ी की सारी गाड़ियों को जला दिया था। एंड यार अब मेरे पास बची थी सिर्फ ये ओल्ड जनरेशन की मारुति सुजुकी स्विफ्ट। एंड फिर मैं जाता हूँ अपने फ्रेंड के शोरूम पे एंड वहाँ से उठाता हूँ एक नई बोलेरो नियो, जिसको लेके मैं घर जा रहा था कि यार तभी मैं देखता हूँ कि रस्ते में कुछ बंदे ऑफ रोडिंग कॉम्पिटिशन में अपना नाम लिखवा रहे हैं। और ये देखे गाइस मैं भी अपना नाम ऑफ रोडिंग कॉम्पिटिशन में लिखवा लेता हूँ, क्योंकि यार फर्स्ट आने वाले को 30 लाख रुपए का प्राइस मिलने वाला था। The next day. अब दोस्तों अगले दिन जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, मेरे को ख्याल आता है कि यार मेरे को अपनी नई कार को देख के आना चाहिए, कहीं उसके साथ भी पिछले बार जैसे किसी बंदे ने कोई कांड तो नहीं कर दिया। पिछली बार जो मेरी गाड़ियों के साथ किसी बंदे ने कांड कर दिया था, उसको सोचकर तो मैं अभी भी सदमे में था, इसलिए अब मुझे अपनी कार की काफी ज्यादा चिंता थी। लेकिन दोस्तों आज मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि जैसे मैं गैराज खोलता हूँ मेरे को अपनी गाड़ी पूरी सुरक्षित दिखाई देती है। अब अपनी कार को सही सलामत देख के मेरी एक टेंशन तो खत्म हो चुकी थी। पर दोस्तों तभी मुझे याद आता है कि यार आज तो मुझे मेरे घर के ऊपर एक नया गैराज बनवाना है, क्योंकि दोस्तों मेरी पुरानी सुजुकी स्विफ्ट अभी भी मेरे फ्रेंड के शोरूम पे ही खड़ी है। एंड यार इसी कारण से मैं फटाफट कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉल लगाता हूं, उनको अपने लोकेशन पे बुला लेता हूं, और अब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले 1 घंटे के अंदर यहां पहुंच जाएंगे। और अब दोस्तों जॉगिंग करने के लिए भी मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका था, इसलिए मैं बिना टाइम बर्बाद किए फटाफट से निकल जाता हूं जॉगिंग करने के लिए, क्योंकि गाइस मुझे अगले महीने तक अपना वेट 5 किलो कम करना था। पूरे 1 घंटे हो चुके थे एंड मैं जॉगिंग करके घर लौट रहा था, एंड शायद अब कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले भी मेरे घर पे आ चुके होंगे। अब गाइस जैसे मैं अपने घर के पास पहुंचता हूँ, मैं देखता हूँ कि कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले आ चुके हैं, वो लोग मेरा वेट कर रहे थे। अब यार गाइस मैंने इन बंदों को पहले बता दिया था कि मेरे को अपना गैराज जल्दी से बनवाना, इसलिए ये लोग कंक्रीट मिक्सर मशीन भी अपने साथ लेकर आए थे। और फिर मैं फटाफट से जाके इनके हेड से बात करता हूँ, तो यार ये बंदा मुझसे पूछता है कि यार गैराज कहाँ पे बनवाना है, उसकी लोकेशन बताओ। पर यार मैंने पहले से तो कुछ सोच कर ही नहीं रखा था कि मेरे को गैराज बनवाना कहाँ है, लेकिन पिछली बार जो मेरे साथ कांड हुआ था उसको सोचकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना गैराज अपनी छत के ऊपर बनवा लूं, और इससे दोस्तों मेरी गाड़ियां काफी ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। और फिर दोस्तों इस जगह को फाइनल करने के बाद मैंने इस बंदे को बता दिया कि मेरे को अपना गैराज अपनी छत के ऊपर बनवाना है। तो अब दोस्तों 2-3 घंटे के बाद मेरे को ऑफरोडिंग कॉम्पिटिशन के लिए भी जाना था, इसलिए मैं फटाफट से सोने चला जाता हूँ। तो अब दोस्तों दिन में पूरे 2 घंटे सोने के बाद मैं कपड़े पहन के फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को जाना था आज के ऑफरोडिंग कंपटीशन में। और अब मैं जैसे घर के बाहर आता हूँ गाइस, मैं क्या देखता हूँ कि यार कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने तो काम शुरू कर दिया, काम काफी ज्यादा तेजी से चल रहा था, और यहाँ पे एक टेम्पोरी सीढ़ी बना दी गई है ताकि सारे वर्कर्स ऊपर जाकर अपना काम कर सके। अब यार काम जिस स्पीड से चल रहा था उसको देख के तो लग रहा था कि कल तक काम कंप्लीट हो जाएगा एंड कल मैं अपने गैराज को यूज कर पाऊंगा, इसलिए मैं फटाफट से आ जाता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड के पास एंड मैं इससे पूछता हूँ कि यार कितने दिन लगेंगे काम कंप्लीट होने में। और फिर दोस्तों ये बंदा मुझे बताता है कि कल तक ये काम पूरा कंप्लीट कर देगा। एंड अब दोस्तों मुझे ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका था ऑफरोडिंग कंपटीशन के लिए, इसलिए मैं फटाफट से जाता हूँ अपनी बोलेरो नियो की तरफ एंड उसमें बैठ के निकल जाता हूँ ऑफरोडिंग कंपटीशन के लिए। अब मुझे जिस लोकेशन पे जाना था वो यहाँ से लगभग 1/2 घंटे की दूरी पे था, तो मैं फटाफट से अपनी गाड़ी भगाना शुरू करता हूँ एंड फिर थोड़ी देर तक पूरी रफ्तार में गाड़ी भगाने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका था उस लोकेशन के आसपास। और दोस्तों थोड़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को वो जगह मिल जाती है जहाँ पे हो रहा था वो ऑफरोडिंग का कंपटीशन, एंड देख के लग रहा था कि मैं सबसे लास्ट में पहुंचा हूँ, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों के साथ आ चुके थे। अब जैसे मैं अपनी कार से उतर के देखता हूँ मुझे पता चलता है गाइस यहाँ तो सारे बंदे महंगी महंगी ऑफ रोड कार्स लेके आए हुए हैं। कोई मर्सिडीज की कार लेके आया था, तो कोई महिंद्रा थार एंड कोई तो फॉर्चुनर लेके आया था। पहले तो मुझे लगा यार मेरे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, पर दोस्तों जैसे मैं आगे देखता हूँ मुझे दिखाई देता है कि यार आगे की तरफ तो एक बोलेरो भी इस रेस में आई हुई है। एंड इस बोलेरो को देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हो जाता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि यार मैं एक अकेला बंदा नहीं हूँ जो कि यहाँ पे एक ऑफ रोड कार लेके नहीं आया है। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यार काफी सारे बंदे यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन दिखा रहे थे, तो मैं भी फटाफट से अपना फोन खोलकर इनको अपना रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। और अब इस खतरनाक सी ऑफ रोड रेस को शुरू होने में सिर्फ 1/2 घंटा बाकी था एंड मेरे दिमाग में चल रही थी सिर्फ प्राइस मनी की बातें, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने इस ऑफ रोड कॉम्पिटिशन में किसी तरीके से भी तीसरा स्थान प्राप्त कर भी लिया तो मेरे को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। पर यार यहाँ पे आई हुई कार्स को देख कर लग रहा था कि ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों ये रेस पूरी ऑफ रोड थी एंड यहाँ पे आई हुई सारी गाड़ियों के अंदर 4x4 था। पर गाइस मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि अगर मैं रेस को हार भी जाता हूँ तो मेरे सिर्फ 100 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि वो मैंने 100 रुपए ही भरे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड अगर मैं गलती से जीत जाता हूँ तो मेरे को लाखों रुपए का फायदा होगा। लेकिन दोस्तों आप रेस से पहले मेरा फायदा करा सकते हो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो यार ज्यादा सोचो मत, वीडियो को लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे दोस्तों जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड आप वीडियो को देख सकते हो। तो अब दोस्तों रेस शुरू होने वाली थी एंड यार आखिर में आने की वजह से मेरे को सबसे आखिर में खड़ा किया गया था, और इस वजह से मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। एक तो गाइस मेरी कार के अंदर 4x4 भी नहीं
था एंड मेरे को सबसे आखिर में खड़ा कर दिया गया। और अब इस टाइम मैं यही सोच रहा था कि जो भी होगा देखा जाएगा। एंड उसी टाइम पे ये ऑफ रोड रेस स्टार्ट हो जाती है। एंड इस वाली ऑफ रोड रेस के शुरू होते ही सारे बंदे फुल पावर के साथ अपनी गाड़ी में रेस दे देते हैं। और तभी दोस्तों थॉर वाले की टक्कर की वजह से मेरी गाड़ी खतरनाक अनकंट्रोल हो जाती है और मेरे आगे का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। काफी सारी गाड़ियां पलट रही थी एंड अब इस धक्का मुक्की की वजह से मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा पीछे रह गई थी। गाइस अभी इस रेस को शुरू हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि यार मेरे को लगने लग गया था कि अब इस रेस में मेरा कुछ नहीं होने वाला। पर दोस्तों कोशिश करने के अलावा मेरे पास अब कोई और रास्ता था भी नहीं। और यार इन सब में एक बात अच्छी हुई कि मेरी कार सबसे ज्यादा पीछे नहीं थी, क्योंकि इन लोगों की धक्का मुक्की के बीच मैं अपनी कार को किसी तरीके से थोड़ा आगे ले आता हूं। पर इस ऑफ रोड रेस के रास्ते देखकर तो मेरी गाड़ी भी जवाब देने लग गई थी। अब मुझे मेरे आसपास काफी कम कार्स दिखाई दे रही थी क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां सबसे पहले आगे जा चुकी थी एंड मेरे साथ चल रही थी हमर कार, जिसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। मैं इसको कंटिन्यूअसली पीछे करने का ट्राई कर रहा था पर गाइस मेरी बोलेरो नियो इसको पीछे नहीं कर पा रही थी। लेकिन दोस्तों चिंता मुझे इस बात की थी कि मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका था लेकिन मेरे को अभी तक कोई भी कार दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी मुझे अचानक एक रेंज रोवर दिखाई देती है और दोस्तों मुझे विश्वास नहीं होता जब मैं देखता हूँ कि यार बोलेरो सबसे ज्यादा आगे है। और अब इस गाड़ी को आगे देखकर मेरा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस बोलेरो को ओवरटेक करा जाए, लेकिन मुझे काफी ध्यान रखना होगा क्योंकि मेरे पीछे लगातार रेंज रोवर और हमर लगी हुई है। अब गाइस मैं देखता हूँ कि यार थोड़ी दूर पे खतरनाक सा टर्न है, इस कारण मैं अपनी कार को बहुत ही ज्यादा धीरे कर लेता हूँ, जिस कारण मेरी गाड़ी तो आसानी से मुड़ जाती है पर दोस्तों ये गाड़ियां जो मेरे पीछे आ रही थी वो पलट जाती है। एंड इसके बाद मेरी गाड़ी फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी थी। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि रेंज रोवर मेरे को ओवरटेक करने वाली है, इसलिए मैं उसको डॉज कर देता हूँ, वो पलट जाती है। पर यार इसका फायदा उठा के हमर और बोलेरो मेरे से आगे हो जाती है। एंड अब इन दोनों गाड़ियों को आगे जाते देख मेरा ध्यान भटक जाता है, मेरी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। एंड ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि मेरी गाड़ी सीधा पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है और अब इसी के साथ मेरा लाखों रुपए जीतने का सपना भी टूट जाता है। अब इधर मेरी गाड़ी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और दोस्तों उस तरफ रेस के अंदर ये तीनों गाड़ियां सबसे आगे थी एंड अंत में दोस्तों ये हमर सबसे आगे हो जाती है और इस रेस को जीत जाती है और फिर सेकंड पोजीशन पे रेंज रोवर एंड थर्ड पे बोलेरो आ जाती है। अब इधर दोस्तों मैं किसी तरीके से अपनी डिस्ट्रॉयड कार से बाहर आता हूं, पर यार पहाड़ी से गिरने की वजह से मैं बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी वक्त बेहोश हो जाऊंगा। इस रेस ने मेरे को लाखों रुपए दिए तो नहीं पर यार मेरी लाखों की गाड़ी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और तो और मैंने इस नई गाड़ी की पूरी पेमेंट भी अपने फ्रेंड को अभी तक करी नहीं है। पर अब गाइस रोने का वक्त नहीं है, मुझे शाम होने से पहले किसी भी तरीके से अपनी गाड़ी को अपने घर तक पहुंचाना होगा। एंड इसके लिए मैं फटाफट से अपना मोबाइल निकाल के फटाफट से कॉल कर देता हूँ ट्रक वाले बंदे को एंड उसको अपनी लोकेशन भी भेज देता हूँ। अब गाइस उस ट्रक वाले का इंतजार करते करते मैं रोड के किनारे ही बैठ गया था, लेकिन पूरे 2 घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली वो ट्रक वाला सामने से आता हुआ दिखाई देता है एंड आने के बाद वो मेरे सामने ट्रक आके रोक देता है। और फिर दोस्तों मैं उस ट्रक ड्राइवर को कि क्या काम है वो बता देता हूँ एंड फिर मेरी बात सुनने के बाद वो बंदा अपने ट्रक के हाइड्रोलिक सिस्टम से रस्सी बांध के मेरे कार को आराम से खींचने लग जाता है एंड फिर कार को रोड पे लाने के बाद हम लोग इस ट्रक पे लोड कर देते हैं एंड फिर इस बोलेरो नियो में रस्सी बांध दी जाती है ताकि दोस्तों घर ले जाते वक्त ये बिल्कुल भी हिले ना। और फिर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि यार हर तरफ से रस्सी टाइट से बंधी है या नहीं। अब दोस्तों इस ट्रक ड्राइवर को मेरे घर तक का रास्ता बिल्कुल भी मालूम नहीं था, इसलिए गाइस मेरे को ही ट्रक चलाना पड़ रहा था। पर पहाड़ी से गिरने की वजह से मेरे शरीर में काफी ज्यादा इंजरी आ चुकी थी एंड इस रीजन के वजह से ट्रक भी मेरे से सही से नहीं चलाया जा रहा था। पर शाम होने की वजह से मेरे को जल्दी से इस ट्रक को अपने घर तक लेके जाना होगा, क्योंकि दोस्तों आज सुबह मैंने कंस्ट्रक्शन टीम को अपने घर पे बुलाया था गैराज बनाने एंड मुझे उनका आज पेमेंट भी करना है। और फिर थोड़ी देर तक दोस्तों ट्रक चलाने के बाद फाइनली अब मैं अपने घर पे पहुंचने ही वाला था और फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली मैं घर पहुंच ही जाता हूं। और अब घर पहुंच के सबसे पहले तो मैं ट्रक को सही तरीके से पार्क करता हूं ताकि ये ट्रक पूरी सड़क के किनारे लगा रहे। अब गाइस जैसे ही मैं ट्रक से उतरता हूं मेरे को सामने का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता है और ये कंस्ट्रक्शन टीम वालों ने यहां पे एक बड़ी सी क्रेन बुला ली थी काम करने के लिए एंड गाइस जिसकी वजह से मेरा ये गैराज आज के दिन ही 90% से ज्यादा रेडी हो चुका है। और फिर दोस्तों मैं फटाफट से ऊपर जाके इंस्पेक्शन करता हूं तो देखता हूं यार काफी अच्छी तरीके से इन लोगों ने पूरे गैराज को रेडी कर रहे हैं। एंड अब गाइस काफी ज्यादा शाम होने वाली थी इसलिए बाकी का काम कल किया जाएगा और अब ये पूरी कंस्ट्रक्शन टीम कल सुबह दोबारा से आएगी, इसलिए गाइस आज के दिन का मैंने इनका पूरा पेमेंट कर दिया। और अब दोस्तों मुझे अपनी इस डिस्ट्रॉयड कार को अपने गैराज में पार्क करना होगा, लेकिन मुझे इसकी हालत देख के लग नहीं रहा कि यार ये कार दोबारा से स्टार्ट हो पाएगी। गाइस जैसे मैंने इस कार में बैठ के इसको स्टार्ट करने का ट्राई किया, पहले तो गाइस इसके इंजन में काफी तेज वाइब्रेशन हो रही थी, पर यार फिर थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद फाइनली ये कार स्टार्ट हो जाती है एंड फिर मैं फटाफट से इस कार को गैराज में जाके अच्छी तरीके से पार्क कर देता हूँ। गाइस अभी इस गाड़ी की हालत काफी खराब है, इसके सारे दरवाजे और खिड़कियां सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अब दोस्तों मैं इस कार के साथ क्या करने वाला हूँ ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा और यार ये पूरा बना हुआ नया गैराज आपको अगले एपिसोड में दिखाई देगा। तो यार तब तक के लिए अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से दबा देना।